हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करंटली जिस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हमें जो है क्या पोजीशन बनानी चाहिए। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर डाउन साइड का जिस तरह से बेस बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। सो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने मिली और उसके बाद जो यहाँ पर हमें जो है अपसाइड मोमेंटम जो है वो यहाँ पर हमें जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर आवरली बेसिस के हिसाब से अगर यहाँ पर मोमेंटम को अगर हम कैप्चर करना चाहें तो एक अच्छा जो प्राइस लेवल जो मैंने आपको कल बताया था दैट इज़ यही जो रेड लाइन है, ये जो प्राइस लेवल मैंने आपको कल शो किया था उसके ऊपर जो यहाँ पर कैंडल जाते हुए देखने को नहीं मिली है। सो यहाँ पर जो है मोमेंटम फिर से ज़्यादा है, यहाँ पर हमें डाउन साइड में जो है आना स्टार्ट मिलना जो है हो चुका है। सो यहाँ पर सेंटीमेंट जो है फॉर अ टाइम भी थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है, बट यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन के लिए सबसे अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पर रहेगा 224 के ऊपर। अगर यहाँ पर जो है कैंडल क्लोज होती है, सस्टेन करना स्टार्ट करती है वो दैट प्राइस लेवल, तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजिशन देखने को मिल सकती है। एंड शॉर्ट पोजिशन के लिए फॉर अ टाइम अब यहाँ पर जो वेट करिए 218 के प्राइस बैंड के ब्रेकआउट का डाउन साइड के अंदर। अगर यहाँ पर जो 218 का प्राइस लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो होप करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग के हिसाब से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।